नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए 3 हफ्तों से भी ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन इन आम चुनावों में कई रोचक चीजें या रोचक परिणाम देखने को मिले। उन्हीं में से एक था पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अंतर्गत आने वाली नगीना लोकसभा सीट, जहां से आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावल ने जीत दर्ज कर दिल्ली तक सदन तक सांसद बन अपना रास्ता तय कर लिया है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावल ने अकेले अपनी खुद की पार्टी के दम पर नगीना सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनके सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे तो एनडीए गठबंधन के भी उम्मीदवार थे, लेकिन आजाद का जो निकटतम प्रतिद्वंदी से जीत का अंतर रहा वो 1.5 लाख वोटों से भी ज्यादा था। इस सब के बाद अब एक सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में खड़ा हो गया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और बसपा के उत्तराधिकारी, या कहें कि मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की राजनीति अब कैसी होने वाली है, क्योंकि एक दलित और युवा नेता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने नगीना संसदीय सीट जीत करके अपनी प्रबल दावेदारी उत्तर प्रदेश में उभरते दलित नेता के तौर पर पेश कर ही दी है। उससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या आकाश आनंद का राजनीतिक भविष्य अब खतरे में है। बता दें कि मायावती प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती को चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी बड़ी बहन की तरह मानते हैं, यहां तक कि उन्हें वो मां का दर्जा देते हुए भी नजर आए थे। लेकिन आकाश आनंद का जो राजनीतिक रवैया रहा वो वाकई में सवाल खड़े करता है। जिस प्रकार से बीती 7 मई को कड़ा फैसला लेते हुए मायावती ने उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से राजनीतिक रूप से अपरिपक्व कहकर के हटा दिया था, उसके बाद ये सवाल उठा था कि क्या अब आकाश की राजनीति अंधकार की ओर जा रही है, क्योंकि राजनीति में एंट्री लिए, राजनीति में कदम रखे आकाश आनंद को ज्यादा वक्त भी हुआ था। लेकिन अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण का जो राजनीतिक सूर्य उभर रहा है, क्या वो यहां आकाश आनंद का राजनीतिक सूरज को पूरी तरीके से अस्त कर देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9।